नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं प्याज के भाव को लेकर और ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट को लेकर। किसान साथियों, इस समय का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिल रहा है, प्याज की स्थिति कैसी बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं किसान साथियों निर्यात पर कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या तेजी के जो आसार है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, या नरमी भरे ही आसार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए किसान मित्रों, अब मैं आपको स्टूडियो में सही सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा। अनुरोध है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए किसान मित्रों, बताते हैं किसान साथियों, ओनियन एक्सपोर्ट बांग्लादेश की अगर ओनियन निर्यात की बात करें किसान साथियों, तो इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है किसान साथियों। खासतौर पर उतनी जबरदस्त उछाल नहीं है निर्यात पर किसान साथियों, अभी सभी देशों के अपेक्षा बांग्लादेश में भी थोड़ा सा कम निर्यात देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि दोस्तों निर्यात बराबर देखने को मिल रहा है। अगर रेट की बात करें तो बांग्लादेश में वहां पर टका के हिसाब से बिकता है, जो वहां पर रेट है 18 टका से लेकर 2000-2100-2200 की रेंज में वहाँ पर जो प्याज है वो बिकता हुआ नजर आ रहा है। अपने इंडिया के रेट की बात करें तो 1500-1600 की रेंज में इंडिया में जो प्याज है इस समय अपने देश में बिकता हुआ नजर आ रहा है किसान साथियों। अपने देश में जो नरमी भरे माहौल इस समय देखने को मिल रहे हैं किसान साथियों। किसान साथियों, अगर निर्यात की बात करें और तेजी की बात करें तो तेजी बराबर देखने को मिल सकती है, फिर भी आप अपनी फसल का जो निर्णय है अपने निजी अनुसार लें, क्योंकि फसल आपकी है, निर्णय किसान साथियों आपको लेना है, क्योंकि आपकी फसल है, आप जब चाहें तब बेच सकते हैं।